हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आप लोगों के लिए बहुत ही टेस्टी ये फ़िश करी की रेसिपी लेकर आए हैं और आप देख सकते हैं फ़िश करी कितनी टेस्टी बनी हुई है। इसके कलर से ही आप जान जाइए कि इसका कितना अच्छा टेस्ट है। और ये फ़िश करी बनाना बहुत ही आसान है, आप इसे फटाफट से 10 मिनट में बना सकते हैं। तो चलिए फ़िश करी बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिए। बेल आइकन प्रेस करने से आपको मेरी सारी वीडियोस मिलती रहेंगी। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करिए। तो चलिए फ़िश करी बनाते हैं। तो उसके लिए हमने यहाँ पे ये 1 किलो रोहू फ़िश ले लिया और इसको अच्छे से हमने 15 मिनट के लिए पहले भिगा दिया था। फिर बहुत ही अच्छे से इसको वॉश कर लेना है और अब एक पैन को गर्म कर लेना है। फिर 3 बड़े चम्मच भर के तेल डाल देना है। तेल यहाँ पे हमने सरसों का लिया है, सरसों के तेल में ही इसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। अब ये तेल अच्छे से गर्म कर लेना है जब तक धुआं ना आ जाए इसमें। और अब हम यहाँ पे ये 2 बड़े साइज़ के प्याज कट करके डाल देते हैं और इसको गोल्डन ब्राउन होने तक पका लेना है। और अब इसको निकाल लेते हैं, ब्राउन हो चुका है ये प्याज। और अब हम कुछ पाउडर मसाले निकाल लेते हैं। जैसे यहाँ पे हमने ये 4 बड़े चम्मच भर के धनिया पाउडर ले लिया है और 2 बड़ा चम्मच भर के ये हल्दी पाउडर ले लिया है और ज़ीरे का पाउडर 1 बड़ा चम्मच भर के ले लेना है। और ये हमने यहाँ पे सौंफ का पाउडर ले लिया है 1 बड़ा चम्मच और लाल मिर्च का पाउडर 2 बड़े चम्मच ले लिया है हमने और गर्म मसाला पाउडर ये 1 बड़ा चम्मच ले लिया है। अब ये सारी चीज़ों को एक बर्तन में डाल के आप पेस्ट बना लीजिए। और अब ये तेल अच्छे से गर्म हो चुका है, यहाँ पे हम 1 चम्मच मेथी दाना डाल देते हैं और अब जो पेस्ट बना के रखा था हमने वो डाल देना है। अब इसको मिक्स करते हुए पका लेना। अब यहाँ पे 2 तेज़पत्ते डाल देना है हमको और अब पानी डाल देते हैं 1 कप। और अब एक मिक्सर जार ले लिया है हमने और यहाँ पे ये 3 बड़े चम्मच भर के नारियल लच्छा ले लिया और जो प्याज फ्राई करके रखा था वो ले लिया है और 1 टमाटर। ये तीनों चीज़ें डाल के पेस्ट बना लेना है। और अब देखिए मसाला पकते हुए 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसको एक बार चला देते हैं अच्छे से और अब ये जो प्याज वाला पेस्ट है ये डाल देना है। और अभी ये डालने के बाद हम इसको 5 से 8 मिनट तक पका लेते हैं जिसमें ये मसाले का कच्चापन दूर हो जाए। और अब ये मसाला अच्छे से पक चुका है। अब यहाँ पे जो हमने फ़िश के पीसेस धुल के रखे थे ये डाल देने हैं। और सारे फ़िश के पीसेस डालने के बाद हम अच्छे से इसको चलाते हुए मिक्स कर लेंगे मसाले के साथ। और अब इसको अच्छे से हमें मिक्स कर देना है और अब हम इसको ढक के लगभग 5 से 7 मिनट तक पका लेते हैं। ध्यान रहे आप बीच में चेक कर लीजिएगा क्योंकि फ़िश है बहुत जल्दी गल जाती है, इसको पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और अब ढक्कन खोल के चेक कर लेना है। आपको जितनी थिक ग्रेवी पसंद है आप उस हिसाब से पानी इसमें डालिए। हम यहाँ पे ये लगभग 1/2 कप पानी डाल के थोड़ी सी ग्रेवी कर लेते हैं। आप चेक कर लीजिए यहाँ पर ये फ़िश गल गई है कि नहीं। ये फिश बहुत ही टेस्टी बनी हुई है, हमने इसको चेक कर लिया है। और अब हम इसमें लगभग 1/2 कप पानी ही डालेंगे, इससे ज़्यादा हमें ग्रेवी नहीं चाहिए। आधा कप पानी डाल देना है हमको इसमें और फिर ढक के लगभग 2 से 3 मिनट तक पका लेना है। और अब देखिए खोल के चेक कर लेते हैं, ये फ़िश हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। आप देख सकते हैं इस पर कितना अच्छा सा कलर आया हुआ है और तेल भी सेपरेट हो चुका है। ये बहुत ही टेस्टी बनी हुई है, आप इसको गर्मा गर्म चपाती के साथ एंजॉय करिए। आप लोग भी इसे एक बार मेरे मेथड से ट्राई करिएगा, आई होप आपको बहुत ही पसंद आएगी। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिए। फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करने में कोई भी पैसा नहीं कटता है, ये बिल्कुल फ्री होता है। तो आप लोग कोई कंजूसी ना करिए, मेरे वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल ना जाइए। हम आप लोगों के लिए इसी तरह की मज़ेदार और इजी रेसिपीज लाते रहते हैं। मिलते हैं अगली मज़ेदार रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय। खाइए, खिलाइए, खुश रहिए, फिर मिलते हैं।